आज सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे। सोयाबीन को ऐसा बॉईल करके लिया है, उसके साथ आलू आलू भी पीस करके लिया है। ये मेथी का साग साफ करके ऐसा काट के लिया है। उसके लिए मसाला नारियल, हरी धनिया, ग्रीन मिर्ची, अदरक, दो लवंग और दालचीनी, टमाटर, तीन टमाटर लिया है। पहले इन सब मसाला को पीस लेंगे। मिक्सी में डाल रही हूँ, नाइस पेस्ट कर लेंगे। अभी कुकर में तेल डाल रही हूँ, एक चार स्पून तेल। इसमें और कुछ नहीं डालते, तेल डाल के। तेल गर्म होने के बाद ये साग जो है डाल रही हूँ, मेथी का साग जो धो के काट के रखा था ना, वो डाल रही हूँ। ये 2 मिनट के लिए ऐसा इसमें फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा वो फ्राई हो गया है। इसमें अभी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सब मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें सोयाबीन को डाल रही हूँ। जो आलू काट के रखा है ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ। और मसाला जो पीस के रखा था, वो मसाला भी इसमें डाल रही हूँ। उसी जार में थोड़ा पानी डाल के वो भी इसमें डालेंगे। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। 1 मिनट के लिए ऐसा भून लेंगे। अभी इसमें उसी जार से पानी डाल के पानी डाल रही हूँ। जितना घट चाहिए हम रख सकते हैं। ये चपाती के साथ, चावल के साथ अच्छा लगेगा। देखिए इस लेवल में। तो इसको कुकर बंद करके 2 विशल लेने से सोयाबीन की सब्जी रेडी। सोयाबीन की सब्जी रेडी हो गया है। इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ।